है? हाँ जी सत्युग की आबादी होती है 9,16,108। ये सत्युग संपूर्ण की आबादी बताई है या अधूरेपन की आबादी बताई है? संपूर्ण आत्माओं की आबादी बताएंगे बाबा या अधूरी आत्माओं की बताएंगे? 84 जन्म लेने वालों की बताएंगे या कम जन्म लेने वालों की बताएंगे? कम जन्म लेने वाले जो भी होंगे वो सब दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। हाँ ये बात है कि जो 16,000 की संख्या वाले हैं वो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं, परंतु हर जन्म में नहीं। कोई आखिरी जन्म में ही जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं तो उनकी भी गिनती हो जाती है। ऐसे नहीं कि 16,000 वाले आखिरी जन्म में जाके परमधाम से उतरेंगे। और पहले दास दासी बनते रहते हैं, लास्ट जन्म में जाके उनको उच्च पद मिल जाता है। परंतु 84 जन्म जरूर होते हैं। बहुतों को तो भाषा प्रॉब्लम की वजह से बात बाहर ही नहीं आती। आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो जन्म नहीं लेती है? आत्मा शरीर छोड़ेगी तो दूसरा जन्म लेगी। हाँ ये होता है कि कोई आत्मा को अचानक शरीर छोड़ना पड़ता है तो बची हुई आयु में वो सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है, भूत प्रेत बनती रहती है या तो फरिश्ता बन करके पार्ट बजाती है। जन्म तो जरूर लेना पड़े, कोई चोले में प्रवेश तो करना पड़े। और चौरासी जन्म लेने वाले सुख भी ज्यादा पाते हैं और आखिरी जन्म में आखिरी जन्मों में दुख भी ज्यादा पाते हैं, परंतु और धर्मों के मुकाबले उनका सुख जास्ती होता है और दुख नहीं। दुख जो है वो कम नहीं होता, आखिरी जन्म में दुख जास्ती होता है, लेकिन टोटल अगर काउंट किया जाए तो उनका दुख कम है और सुख का हिस्सा जास्ती है। 3/4 जन्म उनको सुख मिलता है और अंतिम जन्म में जाकर के उनको दुख मिलता है। बल अंतिम जन्म में ज्यादा दुखी हो जाते हैं, ज्यादा सतोपधान तो ज्यादा तमोपधान भी बनना पड़ता है। लेकिन सतोपधान जीवन ज्यादा जन्मों में भोगते हैं और तमोपधान जिंदगी थोड़े जन्म में भोगते हैं। भले ज्यादा तमोपदान बन जाते हैं तो ज्यादा दुख भोगते हैं। हाँ
भक्ति मार्ग में नहीं जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर जो तीन मूर्तियां होती हैं वो तीन आत्माएं ऐसी हैं जिनमें वो विशेष गुण ज्यादा होता है। ब्रह्मा माँ का विशेष गुण ज्यादा है, विष्णु उसमें विषय विकार ना के बराबर है, नो विषय टाल, विषय विकार का नाम निशान नहीं रहता, संपन्न स्टेज। और शंकर सतो प्रधान भी, तमो प्रधान भी, रजो प्रधान भी, तीनों गुणों का शंकर है। जो सदा शिव है वो सदैव सतो सतचित आनंद कहा जाता है, वो भी उसमें समाया हुआ है। सारी दुनिया का संहार करने वाला संहारकारी तामसी स्टेज वाला महाकाल भी उसमें समाया हुआ है। और रजो प्रधान ब्रह्मा भी समाया हुआ है। तो भक्ति मार्ग में तो ज्ञान की गहराई को जानते ही नहीं है। जो ब्रह्मा की चार भुजाएं दिखाई गई हैं, ब्रह्मा के चार पांच मुख भी दिखाए जाते हैं, वो जानते नहीं है कि कोई चार पांच मुख वाला कैसे हो सकता है। इतनी भुजाओं वाला ब्रह्मा कैसे हो सकता है? शंकर को इतनी भुजाएं नहीं दिखाते हैं, ब्रह्मा को हजारों भुजाएं दिखा दी है। दिखाने वाले जानते तो है नहीं, आखिर जिन्होंने ये चित्र बनाए हैं वो मनुष्य ही थे या ऊपर से बने बनाए चित्र उतर आए? भक्ति मार्ग के चित्र कोई मनुष्यों नहीं बनाए, परंतु बनाने वाले उनके अर्थ को नहीं जानते। सच्चाई तो बाप आकर के बताते हैं कि ब्रह्मा सहनशीलता का पार्ट है, इसलिए उसके साथ सहयोगी बन जाते हैं। सब को समा लेता है, सब ब्रह्मा की गोद में पलते हैं। वो बड़ी से बड़ी माँ का पार्ट है, सारी दुनिया की माँ है, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है। इसलिए नाम काम के आधार पर पड़ा है ब्रह्मा,
परंतु ब्रह्मा का जो रूप दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, वो पुरुष का रूप दिखाया जाता है, वो पुरुष रूप पूजा नहीं जाता। त्रिमूर्ति शिव बाप की महिमा है, त्रिमूर्ति शिव पूजा जाता है, तो उसमें ब्रह्मा भी तो मूर्ति के रूप में समाया हुआ है। बिना ब्रह्मा की मूर्ति के त्रिमूर्ति शिव कैसे बन गया? परंतु बाबा ये आकर के रहस्य बताते हैं कि जितने भी पुरुष हैं इस दुनिया में सब दुर्योधन दुशासन है, इसलिए ब्रह्मा का रूप पूजा नहीं जा सकता। कन्याओं माताओं के द्वारा ही आकर के स्वर्ग के गेट खोलते हैं, राजधानी का उद्घाटन करते हैं, भक्ति मार्ग में इन बातों को जानते ही नहीं। यहाँ भी ज्ञान मार्ग में जो चलने वाले छोटे छोटे बेसिक के बच्चे हैं, वो भी इस रहस्य को नहीं जानते। वो कहते हैं कि ब्रह्मा ही ब्रह्मा है, वो ही विष्णु बनता है, वो ही शंकर बनता है। तीनों ही रूप पुरुष के दिखाई दिए हैं, तो भक्ति मार्ग में भी पुरुष का रूप दिखाई दिया है, लेकिन असलियत तो ये है, जो संपन्न स्टेज में ब्रह्मा का रूप है वो पूजनीय होना चाहिए या अधूरा रूप पूजनीय होना चाहिए? संपन्न रूप पूजा जाता है, तो वही ब्रह्मा जब शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करता है तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कही जाती है, नहीं तो दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना नहीं होती, सिर्फ ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। इसलिए मनुष्य रूप ब्रह्मा का पूजा नहीं जाता है। पूजा तब होती है जब ब्रह्मा के रूप में चोला भी अम्मा का चाहिए, और वो माँ का चोला धारण करके नई दुनिया की स्थापना में विशेष सहयोगी बनता है। तब उसकी हजार भुजाएं सहयोगी के रूप में देखने में आती है। भक्ति मार्ग के चित्रों में देवियों को भी अनेक भुजाएं दिखाई है, वही ब्रह्मा जब संपन्न रूप धारण करता है विष्णु बनता है, तो प्रवृत्ति मार्ग का संपन्न रूप दिखाया जाता है, विराट रूप, उनको भी हजारों भुजाएं दिखाई जाती है, परंतु विराट रूप में पुरुष रूप ही दिखाया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वास्तव में तीन मूर्तियों में जो कार्य करने वाली आत्माएं हैं, जो विष्णु रूप में भी प्रत्यक्ष होती है, उनमें दो आत्माएं स्त्री रूपधारी हैं, और जो आत्माएं हैं उनमें एक ब्रह्मा उस कृष्ण वाली आत्मा पुरुष तो है, लंबे समय तक पुरुष रूप में पार्ट भी बजाती है,
चोला छूटने के बाद चंद्रमा के रूप में प्रवेशता दिखाई गई है, वो भी पुरुष रूप है। और वो ज्ञान चंद्रमा जिसमें प्रवेश करता है वो भाल चंद्र या चंद्र भाल, चंद्रशेखर, वो भी पुरुष रूप में दिखाया जाता है। इसके अलावा जो नई दुनिया की स्थापना में सड़क का गेट खोलने के लिए विशेष निमित्त बनती है जगदम्बा, वो भी रुद्रमाला से है। रुद्रमाला के सभी मणकों के स्वभाव संस्कार पुरुष रूप के हैं, इसलिए वो भी पुरुष रूपधारी है। फिर पौमरादे मम्मा, जो प्रवेश करने के बाद महालक्ष्मी का रूप धारण करती है वैष्णवी के द्वारा, ये दो रूप स्त्री चोले के हैं। तो प्रधानता स्त्री चोले की जाती हुई या पुरुष चोले की हुई, जो भी पाठ बजाने वाली मूर्तियां हैं उन पाठ बजाने वालों में ज्यादा रूप किसका दिखाया गया, पुरुष रूप का या स्त्री रूप का? भगवान भी पुरुष तन में आकर के प्रत्यक्ष होते हैं, स्त्री चोले के द्वारा भगवान भगवान के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता। हाँ, शक्तियों को सहयोगी बनाता है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, शक्तियों को आगे बढ़ा करके कार्य संपन्न कराता है। ये भक्ति मार्ग में भी पुरुष रूप दिखा दिया है त्रिमूर्ति का, ब्रह्मा का भी पुरुष रूप, विष्णु का भी पुरुष रूप और शंकर का भी पुरुष रूप है। ऐसे तो भक्ति मार्ग में शंकर को अर्धनारीश्वर भी दिखाते हैं, आधा स्त्री आधा पुरुष। बाप ने बताया है जो समर्पित होने वाले हैं वो बाप के राजशाही परिवार के राजयोगी बनते हैं, राजयोग सीखने वाले बनते हैं। ऐसे राजयोग सीखने वाले 16,108 हैं, बाकी सब है प्रजा। वो राजयोगियों का परिवार है, उस परिवार में महाराजाएं भी हैं, महारानियां भी हैं, राजाएं भी हैं, रानियां भी हैं, राज्य अधिकारी भी हैं। कोई मंत्री बनते हैं, कोई महामंत्री बनते हैं, कोई सेना नायक बनते हैं, ये सब हैं। परंतु ऊंच पद पाने वालों की संख्या ज्यादा होती है या सेना की संख्या ज्यादा होती है, दास दासियों की संख्या ज्यादा होती है? दास दासियों की संख्या ज्यादा हो जाती है, इसलिए मुरली में बोला है
कि सरेंडर हुए और सरेंडर होने के बाद संसार को दिखावा कर दिया कि हम समर्पित हो गए, परंतु ईश्वरीय कार्य में अपेक्षित सहयोग न दिया, खाते पीते सोते रहे और फिर बाद में ये रिजल्ट निकला कि दास दासी बन गए। लास्ट के एक दो जन्मों में जाकर के प्रिंस प्रिंसेस का पद मिल गया और बाकी जन्मों में दास दासी बनते रहे। ऐसे आप पद पाने वालों से तो अच्छा है कि प्रजा वर्ग में साहूकार बनते रहे। बड़े बड़े साहूकार होते हैं, राजाओं को कितनी मदद करते हैं, उनके घर में ढेर दास दासियां काम करती हैं। तो जन्म जन्मांतर प्रजा वर्ग में रह करके साहूकार बनना अच्छा या एक जन्म प्रिंस प्रिंसेस का पद पा लिया और बाकी जन्मों में दास दासी बनते रहे, वो अच्छा? इसलिए बोला कि 16108 की संख्या का गायन तो है, परंतु वो संगम युग का गायन है। संगम युग में ऐसे जो समर्पित जीवन व्यतीत करते हैं, भले खाते पीते सोते रहते हैं, परंतु जो अंतिम समय आवेगा तो अंजाम ये होगा कि ईश्वरीय कार्य में जिन्होंने थोड़ा भी सहयोग दिया और दुनिया को छोड़ा, तो गोप गोपी के रूप में आप इंद्रिय सुख जरूर पावेंगे। तो आज के जन्म में सुखी रहेंगे, अंतिम समय में और 21वें जन्म में 20वें जन्म में जाकर के सुखी रहेंगे प्रिंस प्रिंसेस बनकर के, क्योंकि 21 जन्म पूरे होने पर 16108 पदों की संख्या पूरी हो जाती है। हाँ, छत्तीस में यज्ञ शुरू हुआ, ढेर सारी कन्याएं माताएं सत्संग में जाकर के बैठ गई और बाद में खेड़ बखेड़ा हुआ तो ढेर की ढेर बंधन में आ गई। ऐसे हुआ था यज्ञ के आदि में, सब बंधन में आ गई। पर वो बंधन अचानक कब टूट गया? 2047 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का खून खराबा हुआ तो 7-7 तालों के अंदर जिनको बंद करके रखा गया, बंधन में डाल के,
वो सब बंधन वाले पता नहीं कहाँ भाग गए अचानक। तो जो आदि में हुआ वो अंत में भी होगा। बंधन डालने वालों का पता ही नहीं चलेगा कहाँ उड़ गए, और जिनको निर्बंधन बनना होगा वो माताएं बच जावेंगी। और जैसे यज्ञ के आदि में कराची में पहुंच गई थी, ऐसे अंत में भी जो नई दुनिया का संगठन बनना है उस संगठन में जाकर के ऐड हो जाएंगे। तो सरेंडर कही जावेंगी, नॉन सरेंडर कही जावेंगी है? जो बांधेली माताएं कारण या कारण अभी बंधन में महसूस कर रही है, और आगे चल करके ऐसा माहौल बन जाएगा कि बंधन डालने वाले कहाँ हो जाएंगे, और माताएं निर्बंधन होकर के बाबा के पास पहुंच जावेंगी, तो सरेंडर मानी जावेंगी या नॉन सरेंडर मानी जावेंगी? लास्ट में आकर के भी फास्ट जा सकती है। और यहाँ ऐसे भाई नहीं है यज्ञ में, भाई भी तो ऐसे हैं जो घर बार छोड़ करके आश्रम में ही पड़े हुए हैं, खाते हैं पीते हैं सोते हैं, काम नहीं करते, इक्का दुक्का सही। तो क्या हुआ, यहाँ तो रुद्रमाला के सारे ही मन के पुरुष हैं या स्त्री हैं? स्त्री चोला होते हुए भी अंत में क्या बन जाएंगे? अगर पुरुष संस्कार ज्यादा हैं, तो क्या बन जावेंगे? पुरुष बन जावेंगे। पुरुषों की स्त्रियों की संख्या बराबर रहेगी या कम हो जाएगी? और हाँ हाँ लोग हैं बोलते हैं, लेकिन यहाँ एडवांस नॉलेज में तो बता दें कि सूक्ष्म लोग तो है नहीं। हाँ, देवी देवताएं सूक्ष्म रूप में होते हैं? देवी देवताओं का साकार चोला होता है या सूक्ष्म में होते हैं? साकार चोला वाले होते हैं, सूक्ष्म में फरिश्ताएं होते हैं, और जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं, उनको भूत प्रेत कहा जाता है, वो नीची कोटि की योनियां हैं, और भूत प्रेतों में जो ऊंच कोटि के हैं उनको फरिश्ता कहा जाता है। बाबा ने अपने लोगों को
सिर्फ विष्णु पार्टी वाले जो हैं वो ही फरिश्ताओं को नहीं गायन करते हैं, जितने भी विधर्मी हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, मुसलमान, ये सब फरिश्ताओं को मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते। जो फरिश्ता धर्म है उनमें फरिश्ताओं में सूक्ष्म शरीर का विशेष गायन है, और सूक्ष्म शरीर वही आत्माएं धारण करती है जो महापापी की लिस्ट में होती है। उनकी बुद्धि इतनी कुंद हो जाती है कि वो देवता धर्म की ऊंचाई को नहीं समझ सकते, इसलिए दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बाप को मान करके भी, जान करके भी, निश्चय पत्र लिख करके भी और बापों को बाप मान लेते हैं। बाहर तो बरसात बहुत हो रही है, यहाँ क्यों रुक जा रहे हैं? रामायण हो या भागवत हो या महाभारत हो या कोई भी शास्त्र हो, शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कहाँ की यादगार है? तो संगम युग में एक ही व्यक्ति महाभारत की भी कथा का नायक हो सकता है, वही रामायण की कथा का भी नायक हो सकता है, वो भागवत का भी कथा का नायक हो सकता है। ये भागवत अभी ही तो चल रही है, ये रामायण अभी ही तो चल रही है। संगम युग में ही रामायण है, संगम युग में ही असली महाभारत है, और संगम युग में ही असली भागवत है। दत्तात्रेय कौन बाबा? दत्त माने दिया हुआ, और त्रेय माने तीन के द्वारा। तीन है ब्रह्मा विष्णु शंकर, यज्ञ के आदि में जो पार्ट बजाने वाले असली ब्रह्मा विष्णु शंकर थे, जो अभी अंत में प्रत्यक्ष हो रहे हैं और होने वाले हैं, उन तीन आत्माओं के द्वारा जिसका जन्म हुआ वो है गुण ग्रहण करने वाला दत्तात्रेय अर्थात ब्रह्मा। दादा लेखराज ब्रह्मा पहले या तीन मूर्ति पहले? ब्रह्मा बाद में हुआ, पहले संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय इसीलिए नहीं पड़ा कि ब्रह्मा प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ था, पहले नाम था ओम मंडली। ओम का अर्थ होता आउमा, ब्रह्मा आ, विष्णु का उ, शंकर का मां महेश, ये तीन अक्षर मिलाकर के बनता ओम। ये तीन मूर्तियों की मंडली है, इसलिए बाबा ने बोला सबने कहा ओम मंडली गई की गई, खलास हो गई, यज्ञ के आदि में विघटन पड़ गया ओम मंडली में, और बाप ने कहा ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ये तीन आत्माओं की मंडली दुनिया में सबसे जास्ती साहूकार है, इन तीन से जास्ती साहूकार दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता।
तो यज्ञ के आदि में तीन मूर्तियां कोई और थी, बाद में सन 47 से जब से मुरली निकलती चली आई है, जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ये शुरुआत कब हुई? सन 47 से। उससे पहले न कोई यज्ञ में ब्रह्मा को जानता था और न ब्रह्मा कुमारी नाम ही पड़ा था। तो जो ब्रह्मा है, जो गुणों गुणों को ग्रहण करने वाला एक पात्र ब्राह्मणों की दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, वो ही दत्तात्रेय है। दत्त माने दिया हुआ, त्रेय माने तीन का, तीन मूर्तियों के दिया द्वारा दिया हुआ। दत्तात्रेय का चित्र दिखाते हैं, उस चित्र में चारों ओर कौन से जानवर दिखाए गए हैं? हैं? किसको दिखाया गया है? दत्तात्रेय के चित्र में चारों तरफ कुत्ते दिखाए गए हैं। जो भी और धर्म की आत्माएं हैं, वो सब आकर के कुत्ते बिल्ले के माफिक उनकी गोद में जन्म लेकर के पालना लेते रहे। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाने का मतलब है क्रिश्चियंस जो क्राइस्ट के फॉलोअर हुए, और चंद्रवंशी जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के फॉलोअर हुए। क्रिश्चियंस कौन से जानवर को पालना ज्यादा पसंद करते हैं? तो क्राइस्ट ने किसको फॉलो किया? क्राइस्ट पहले हुआ या कृष्ण पहले हुआ? पहले कौन हुआ? कृष्ण पहले हुआ। तो क्राइस्ट ने फॉलो किसको किया? कृष्ण को फॉलो किया। क्रिश्चियन धर्म में दो गुण विशेष हैं, एक क्रोध अति का और दूसरा दिखावा पंप एंड शो। ये बेसिक नॉलेज की दुनिया में कहां से आया पंप एंड शो? और शास्त्रों में दिखाया है कृष्ण ने महाभारत युद्ध कराई दिया, सारी दुनिया खलास हो गई। कृष्ण को यदुवंशी दिखाया गया है। रूस और यादव, जो रूस के यादव कुल है, अमेरिका के जो यादव कुल है, वो कौन से धर्म के हैं? क्रिश्चियन धर्म के हैं, क्राइस्ट के फॉलोअर हैं। उनमें ये क्रोध जो एटम बम बना के रखते हैं और सारी दुनिया का संहार करने के निमित्त बन जाते हैं, ये क्रोध कहाँ से आया? हैं? क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स ने ये क्रोध और पंप एंड शो की भावना कहां से पैदा हुई? कृष्ण से पैदा हुई। संगम में कृष्ण की आत्मा ही जब ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है, तो ये दो विशेष गुण, विशेष मुख्य गुण दे जाती है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, जो बेसिक नॉलेज में चलने वाले, एक पंप एंड शो और दूसरा क्रोध अग्नि। इतनी क्रोध की अग्नि भड़कती है कि सारी ब्राह्मणों की दुनिया में आग लगाई देते हैं। हाँ।
ब्रह्मा टाइटलधारी है दादा लेखराज या ओरिजिनल ब्रह्मा है? क्यों दादा लेखराज ब्रह्मा टाइटलधारी ब्रह्मा क्यों ओरिजिनल ब्रह्मा क्यों नहीं? है नहीं यज्ञ के आदि में ब्रह्मा वास्तव में वो था जिसके लिए मुरलियों में आया, ऐसी ऐसी माताएं थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो ब्रह्मा सरस्वती को भी डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी। तो ब्रह्मा सरस्वती को भी चलाने वाली ब्रह्मा सरस्वती से पावरफुल होंगी या कमजोर होंगी? वो पावरफुल थी। जो ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए उन साक्षात्कारों को वो अपने आप नहीं जान सके, वो माता को निमित्त बनाया गया पूछने के लिए प्रजापिता से। इन साक्षात्कारों का अर्थ क्या है? ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्ट जाकर के नहीं पूछा, कोई माता निमित्त बन गई सुनने और सुनाने के लिए, इसलिए वो ही असली ब्रह्मा था, आदि ब्रह्मा। जो आदि में ब्रह्मा होगा सो तो अंत में ब्रह्मा होगा। आदि में वो दोनों थे, ब्रह्मा भी था माता के रूप में और प्रजापिता भी था। अंत में ये जगत पिता और जगदम्बा फिर प्रत्यक्ष होते हैं संसार के सामने। हाँ ये पुरुषार्थ नहीं है, अच्छे से अच्छे संगठन में आना जाना करना है, ये पुरुषार्थ नहीं है? ये भी तो पुरुषार्थ है। अव्यक्त वाणी में बोला है नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने तुम बच्चों को दी है। जिन बच्चों को तुम बच्चे कहा है वो अष्ट देवों के लिए इशारा है। तो तुम बच्चों को जो नई दुनिया की सौगात दी है उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, मना अष्ट देवों में आने वाली वो आत्माएं जो भी नई दुनिया का संगठन का फाउंडेशन डाला जा रहा है उसमें उनका आना जाना भी होता है। अगर ब्राह्मणों की दुनिया होगी तो ब्राह्मणों की दुनिया का खास करके एडवांस पार्टी का कोई हेड ऑफिस भी तो होगा, जहां से उस दुनिया का संचालन होता हो। उस हेड ऑफिस में जाना आना
सामान्य पुरुषार्थियों का काम होगा या विशेष पुरुषार्थियों का काम होगा? हेड ऑफिस में संचालन का काम विशेष आत्माओं के द्वारा ही हो रहा होगा। और जब सेवा जलाधारी में प्रवेश है उसका मतलब है कि माँ बाप वहाँ बैठे हुए हैं। जलाधारी और शिवलिंग, शिवलिंग हो गया बाप और जलाधारी हो गई माँ, और शिव बाबा जो शंकर के रूप से प्रत्यक्ष होता है उसका वाहन बैल बाजू में बैठा हुआ है। कौन? ब्रह्मा। बैल ज्यादा जल्दी ज्ञान को समझेगा, शिव के ज्ञान को बैल समझेगा जल्दी या मनुष्य जल्दी समझेगा? है मनुष्य जल्दी समझेगा। तो शिव शंकर में प्रवेश करता है और शंकर फिर बैल पर सवारी करता है। है हाई जम्प को माना, जो याद में बैठा हुआ शंकर को दिखाया गया है वो याद में बैठी हुई स्टेज पुरुषार्थी की निशानी है या संपन्नता की निशानी है? है पुरुषार्थी जीवन में दिखाया गया है, याद में बैठा है, नहीं तो किसको याद करता है? जो संपन्न हो जाएगा उसे याद करने की दरकार है नहीं? तो जब संपन्न हो जाता है तो हाई जंप लगाता है, हाई जंप लगाता है और बैल के ऊपर सवार हो जाता है। और भक्ति मार्ग में एक चित्र है अन्नपूर्णा देवी का। अन्नपूर्णा देवी भिक्षा दे रही है शंकर जी को। शंकर जी भीख मांगने पहुंच गए, उन्हें कहीं भीख नहीं मिली, अन्नपूर्णा ने उनको भीख दी। तो चित्र बनाई दिया है, दिखाई दिया है कि अन्न उनकी झोली में डाल दिया, पानी नहीं डाल दिया, दूध नहीं डाला, क्या ज्ञान नहीं डाला, ज्ञान जल नहीं डाला, ज्ञान का दूध नहीं डाला, क्या डाला? अन्न डाला। अव्यक्त वाणी में बोला है याद है तुम्हारा भोजन अन्न, और पानी है तुम्हारा ज्ञान जल। उस जल की बात नहीं है और उस अन्न की भिक्षा की बात नहीं है, ये है स्नेह का भोजन अन्न। उसे कहो योग या लगन या लगाओ, एक के साथ। तो शंकर जी चारों तरफ दुनिया में डोले डोले पड़े फिरे भिक्षा पात्र लेकर के, कोई ने उनको भिक्षा नहीं दी। किसने भिक्षा दी? अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। तो जिसने भिक्षा दी उसका नाम पड़ गया जगदम्बा। एक ने भिक्षा दी तो पीछे पीछे ढेर भिक्षा देने वाली निकल पड़ी।
तो पहली का गायन होगा या सबका गायन होगा, चित्र बनेगा, पहले नंबर का चित्र बन जाता है, बाकी एक की बात नहीं है। और पीयू माने होता है बाप। यज्ञ के शुरुआत भी ज्ञान बीज डाला जाता है बाप के द्वारा। तो बाप ने ही आकर के गीता का रहस्य खोला था और गीता के अर्थ बैठ समझाते थे, परंतु उस समय पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए पूरा रहस्य गीता का नहीं खोला। ये वही गीता है जिसकी 108 से भी ज्यादा टीकाएं दुनिया में निकल चुकी हैं, व्याख्या है। गीता के श्लोक वही हैं और अर्थ अलग अलग अनेक प्रकार के हैं। तो अंत में भी ऐसे होगा कि गीता के श्लोकों का अर्थ ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार निकल पड़ेगा, फिर सारी दुनिया मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो प्रत्यक्ष हो जाएगा गीता ज्ञानदाता बाप है, बाप से जन्म लेने वाला बच्चा वो गीता ज्ञानदाता नहीं हो सकता। और यज्ञ के आदि में जब प्रवेश करता है परमपिता परमात्मा, तो पहले भक्ति का आधार लेता है या ज्ञान का आधार लेता है? पहले साक्षात्कार हुए और साक्षात्कारों के आधार पर फिर ज्ञान की शुरुआत हुई। ऐसे ही परमात्मा शिव ने जब प्रवेश किया तो पहले सुनाना किया या समझने समझाने का काम शुरू किया? तो सुनना सुनाना है भक्ति मार्ग, जिसके द्वारा सिर्फ सुनने सुनाने का काम हुआ वो है ब्रह्मा, और जिसके द्वारा समझने और समझाने का तीसरे नेत्र बुद्धि का काम होता है उसे कहते हैं शंकर। तो आदि में दो माताएं थी, एक के द्वारा सुनने सुनाने का फाउंडेशन पड़ा, वो हो गया झूठी गीता का फाउंडेशन, और दूसरी माता थी जिसने सुनना सुनाना ही नहीं किया, अंदर से रहस्य को समझ लिया और टाइम जब आता है तो दूसरों को समझाती भी है, तब तक दुनिया समझती ही नहीं, क्योंकि प्योरिटी की पावर से ही दुनिया के सारे कार्य होते हैं, चाहे बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो। अगर पवित्रता की देवियों के द्वारा वो नॉलेज नहीं दी जाएगी तो दुनिया की समझ में आने वाली नहीं है। धारणा मूर्त देवियां जिनके लिए पहली अव्यक्तवाणी में बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, तो अंत में ऐसी ज्ञान गंगाएं निकलती हैं जो सारे भारत का
सारी दुनिया का, सारी एडवांस पार्टी का और सारी बेसिक नॉलेज की पार्टी, ब्राह्मणों की दुनिया का उद्धार हो जाता है। प्रैक्टिकल है प्योरिटी, प्योरिटी से ही सिद्धि मिलती है। और ये तो दीदी दादियां बताएंगी, मुरली में जितना बताया उसका क्लेरिफिकेशन सामने आ रहा है। हाँ, बुद्धि से समझने की बात है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ये क्रम चलता रहता है। तो जब नई दुनिया की शुरुआत होती है, नई दुनिया की शुरुआत, तो उसमें ब्रह्मा होता है या विष्णु होता है? विष्णु। तो जब सृष्टि के आदि में विष्णु से शुरुआत हुई, तो जब सृष्टि का अंत होना होगा 2036 में, संगम युग शुरू होता है, तो पहले विष्णु होगा या विष्णु ब्रह्मा होगा? नई दुनिया की शुरुआत हुई थी तो ब्रह्मा था या विष्णु था? है? कोई कहता ब्रह्मा, नई दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आ गया? विष्णु था। तो जो आदि में विष्णु, तो अंत में क्या होगा? आदि तो अंत में भी विष्णु होता है। 2036 में पहले कौन प्रत्यक्ष होगा? अरे अरे, आदि में विष्णु तो अंत में कौन होगा? विष्णु ही होगा। संगम युग के आदि में विष्णु होगा तो संगम युग के अंत में कौन बचेगा? आदि तो अंत विष्णु ही बचेगा। यज्ञ के आदि में भी दो ही आत्माएं सर्वोपरि थी, विष्णु रूप में, युगल रूप में। जिनसे ब्रह्मा निकला, कौन से सन में ब्रह्मा निकला? अरे यज्ञ के आदि में कौन से सन में विष्णु था और कौन से सन में ब्रह्मा निकला? है 2036 में विष्णु था कोई, विष्णु माना दोनों के संस्कार मिले हुए थे, मिले हुए संस्कार उनको कहा जाता है जो एक दूसरे की दिल की बात समझते हो। मुख से सिर्फ सुन लिया और सुना दिया लेकिन दिल की बात नहीं समझी, तो उनको संस्कार मिला हुआ विष्णु कहा जाएगा? कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो यज्ञ के आदि में था विष्णु, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला सन 47 में। सन 47 से पहले कोई को नाम नहीं था ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, उसके बाद नाम पड़ा। फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु कब निकलता है? हैं? अरे कब घोषणा की गई 10 साल की, लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है 76 में, तो 76 में फिर विष्णु प्रत्यक्ष हो गया। ये क्रम चलता रहता है शूटिंग पीरियड में, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। और बाबा मुरली में जो भी बातें समझाते हैं वो संगम युग में प्रैक्टिकल बातें हुई हैं उन्हीं को समझाते हैं या सिर्फ शास्त्रों की बातें सुनाते हैं? प्रैक्टिकल में यज्ञ में जो हो रहा है वो ही सुनाते हैं। ओम शांति।